गुड मॉर्निंग एवरीबडी इन 11th क्लास टुडे वी हैव टू स्टार्ट योर द न्यू यूनिट योर यूनिट नंबर 5 दैट इज द स्टेट ऑफ द मैटर्स इन विच वी हैव टू स्टडी अबाउट द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस एंड द लिक्विड सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट अबाउट द इंट्रोडक्शन As you know, the substance can be classified with its states in solid, liquid, and the gas. So these are the three different states of the matter. ये जो पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं गैस द्रव और ठोस ये तीनों जो है वो सामान्य ताप पर एक सामान्य परिस्थिति में प्रत्येक पदार्थ अपनी एक निश्चित अवस्था में होता है लेकिन उसे इन तीनों अवस्थाओं में रूपांतरित किया जा सकता है और इसका जो सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है आपका जल अर्थात H2O तो H2O जो है वो हमें तीनों अवस्थाओं में मिलता है ऑल द थ्री स्टेट वी कैन स्टडी the substance H2O right so say it is the ice in the solid state water in the liquid state and vapors water vapors are in the gaseous state so H2O at the normal condition it is found in liquid phase तो द्रव अवस्था में ये सामान्य परिस्थिति में पाया जाता है अब बात आती है इस बात को समझने की कि एक पदार्थ जो है जब तीनों अवस्थाओं में परिवर्तित हो सकता है तो वो कौन से फैक्टर्स हैं वो कौन से कारक हैं वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो पदार्थ को इन अवस्थाओं में बांधे रखती है अथवा इनको रूपांतरित करती है तो देखिए इसके लिए जो दो कारक हैं वो तो मुख्य हैं फैक्टर्स तो कई हैं लेकिन इनमें दो कारकों को हम गहराई से अध्ययन करेंगे और उनमें सबसे पहले है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन तो इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और नंबर दो जो है ये इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ये एक प्रकार का जो है ना वो आकर्षण बल है और दूसरा जो है वो इंट्रा मोलिकुलर डिस्टेंस अर्थात उस सब्सटेंस के जो पार्टिकल हैं उन पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है दूरी है ये दो कारक हैं जो पदार्थ की अवस्थाओं को तीनों वर्गों में विभाजित करते हैं तो जब इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो मिनिमम होती है लगभग नेग्लिजिबल और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जब मैक्सिमम हो जाते हैं ठीक है डिस्टेंस मिनिमम फोर्स मैक्सिमम तो पदार्थ जो है वो ठोस अवस्था में होता है और जब ये इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इंक्रीज हो जाती है अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाते हैं मिनिमम हो जाते हैं लगभग नेग्लिजिबल हो जाते हैं तो पदार्थ की वो अवस्था गैस अवस्था कहलाती है और जब ये इन बिटवीन होती है अर्थात न तो ज़्यादा न कम अर्थात एवरेज तो उस स्थिति में पदार्थ जो है वो लिक्विड फेज में अर्थात द्रव अवस्था के अंदर पाया जाता है अब बात आती है कि इनमें आकर्षण बलों की जो नेचर है वो डिपेंड करेगी उस पदार्थ की प्रकृति पर कि वह पदार्थ जो है वो कोवलेंट बॉन्ड से बना है आयनिक बॉन्ड से बना है या उसमें अन्य किसी प्रकार का कोई रासायनिक बंध है तो इनके जो आकर्षण बल हैं उसकी जो वैल्यू है उसका जो मान है वो उनकी केमिकल नेचर पर डिपेंड करता है केमिकल नेचर ऑफ द बॉन्ड इन बिटवीन द एटम इन द सब्सटेंस ठीक है तो अंतर आणविक जो क्रिया है अर्थात अणुओं के मध्य संपन्न होने वाली जो रिएक्शन है क्रिया है उन कणों के वेग पर निर्भर करती है
जब कणों में वेग ज़्यादा होता है तो क्रिया जो है वो मिनिमम होती है, अर्थात उनके बीच में कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता। लेकिन जब ये मोबिलिटी कम होती है, गति कम होती है, तो कण पार्टिकल जो है अणु हैं वो एक दूसरे के निकट होते हैं, उस समय उनके बीच में इंटरेक्शन डेवलप हो जाता है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट रहा आपके कि किस तरह से पदार्थ की अवस्थाएं जो है वो अलग अलग हमें दिखाई देती हैं। तो द्रव्य की अवस्थाएं जो है वो हमने इसमें आपने देखा कि ये जो गैस और जो ठोस है इनके बीच में तो बहुत ज़्यादा अंतर है, मतलब इसका आप एकदम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप लिक्विड फेज में जाते हैं तो ये क्योंकि ठोस और गैस के मध्य की स्थिति आ जाती है और इस मध्य स्थिति में एक साम्य अवस्था है, अर्थात ठोस और गैस के मध्य एक साम्य अवस्था उत्पन्न होती है और उस साम्य अवस्था में हम जो है वो द्रव अवस्था को आसानी से पढ़ सकते हैं। अर्थात कुछ गुणों का संक्रमण ठोस का द्रव में और गैस का भी द्रव में हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए कि एक द्रव का जो हिमांक है, द्रव का तो होता है आपका हिमांक अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट, और ठोस का होता है मेल्टिंग पॉइंट, दोनों का मतलब एक ही है। तो ठोस और द्रव जो है वो एक दूसरे के निकट में हो गए, ठीक है, इनमें एक साम्य स्थिति आ गई कि एक आप फ्रीजिंग पॉइंट और जब मेल्टिंग पॉइंट को बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट तो हम ठोस अवस्था में स्टडी करते हैं और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो लिक्विड में, लेकिन दोनों की वैल्यू एक होती है, तो ये इनको क्लोजरिटी दर्शाती है। इसी तरह से जब हम कंडेंसेशन संघनन करते हैं तो संघनन किसका करेंगे, गैस का लिक्विड में, और जब लिक्विड को वेपोराइज करते हैं तो जो वेपोराइज हीट ऑफ वेपोराइजेशन है और जो कंडेंसेशन है वो एक ही हो गया। अर्थात ऐसी स्थिति में गैस को वाष्प में, वाष्प को गैस में, ये एक साम्य अवस्था है। तो सॉलिड और लिक्विड के बीच में एक साम्य स्थिति होती है और इसी तरह से गैस और लिक्विड के बीच में भी एक साम्य स्थिति आ जाती है। जैसे कि आपको संघनन बताया, क्वथनांक बताया, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, लिक्विड का होगा, और वेपोराइजेशन पॉइंट किसका होगा, गैस का होगा, दोनों के वैल्यू इक्वल बराबर होती है। तो इस तरह से इनमें साम्य स्थितियाँ, ठोस के गलनांक के मान एक समान और गैस का वाष्पन और द्रव का क्वथनांक, द्रव की अवस्था में घनत्व, उनकी विशिष्ट ऊष्मा, उनकी गलन ऊष्मा और ठोस के अत्यधिक निकट होती है। अब ये जो ऊष्मा ऊर्जा हीट जो है, आपने देखा होगा कि पदार्थ की इन तीनों अवस्थाओं में परिवर्तन जो है उसका मुख्य कारक होती है ऊष्मा। तो अगर आप बर्फ को पिघलाएंगे तो ऊष्मा वो ग्रहण करेगा तो द्रव में आएगा, और द्रव को फिर और ज़्यादा ऊष्मा देंगे तो फिर वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरह से ऊष्मा जो क्या करती है कि पदार्थ के कणों की जो गतिज ऊर्जा है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उसको इनक्रीज करती है, और जब काइनेटिक एनर्जी इनक्रीज करती है तो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, मूव करते हैं, उनमें मोबिलिटी आ जाती है, और जब पार्टिकल मोबाइल्स हो जाएंगे अर्थात वो गतिशील हो जाएंगे तो फिर वहाँ एक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, और ये अव्यवस्था सबसे अधिक किसमें देखी हमने, गैस में। तो गैस के पार्टिकल अपने अट्रैक्शन फोर्स से भी बहुत दूर होते हैं, इनके बीच में नेग्लिजिबल होता है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये जिगजैग वेव में इधर उधर मूव करते रहते हैं, अर्थात अव्यवस्था। तो अव्यवस्था जो है वो गैस अवस्था में अधिक और द्रव अवस्था में बहुत ही कम, और ठोस अवस्था में तो अव्यवस्था लगभग समाप्त हो जाती है, क्योंकि ठोस के अंदर पार्टिकल एक दूसरे के काफ़ी निकट में आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऊष्मा ऊर्जा एक ऐसा कारक हो गई जो इस इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स को भी प्रभावित करेगी, अर्थात इसको कम करेगी। ऊष्मा अगर ज़्यादा है तो फोर्स जो है कम, और ऊष्मा कम है तो फोर्स ज़्यादा। इसी तरह से मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो भी, ऊष्मा ज़्यादा होती है तो डिस्टेंस बढ़ जाती है, और जब ऊष्मा कम होती है तो डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से हम इस हीट के अलावा, अर्थात ये हमारी जो एच है, इस एच के द्वारा हम अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम सीधे इंट्रामोलिकुलर इंट्रैक्शन पे आ जाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में, एक कण और दूसरे कण के बीच में ये जो आकर्षण है, अर्थात एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में, तो ये आकर्षण जो है वो यहाँ डिस्टेंस मिनिमम होगी, ये दूर। अब जब आप इसके बारे में आएंगे तो ये डिस्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा एक पार्टिकल, ये हमारा दूसरा पार्टिकल, इन दोनों पार्टिकल के बीच में इन अवस्थाओं को आप देखें तो अंतर आणविक आकर्षण जो बल हैं ये कितने प्रकार के, अर्थात कि पदार्थ के कण जो हैं, अर्थात अणु जो हैं, उनके मध्य जो आकर्षण बल है जिसको हम इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे हैं, तो ये अंतर आणविक बल को किस तरह से पढ़ा जाए, ये कितने प्रकार के हैं, इनका अध्ययन हमको डिफरेंट मैटर्स में, डिफरेंट पदार्थों में अलग अलग देखने को मिलता है। तो अंतर आणविक बल कितने प्रकार के, सबसे पहले स्थिति हमारा इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है वो अगर आयोनिक फोर्स हो, ठीक है, आयनिक बल, तो आयनिक बल है, अथवा वो आपका कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, ये कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट हो, अर्थात ये कोवलेंट बॉन्ड फोर्सेस किस में लगेगा, पोलर स्पीसीज में, तो इसको हम पोलर फोर्स भी बोलते हैं। ध्रुवीय बल, तो ध्रुवीय बल का मतलब कि अगर पदार्थ का कण जो है वो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव हो जाए, तो उस स्थिति में एक कण और दूसरे कण के जो एक दूसरे के विरोधी सिरे हैं उन अपोजिट एंड के बीच में अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। तो आयनिक सहसंयोजक, ध्रुवीय सहसंयोजक, ये जो सामान्य गैस है, ठीक है, सामान्य गैस जो है वो ठोस में भी रूपांतरित की जा सकती है। तो सामान्य गैस में क्या होगा कि ये सामान्य स्थिति में ये तीन प्रकार के बल हो गए, तो इन तीनों प्रकार के बल जो है आपको द्रव अवस्था में भी देखने को मिलेंगे, ये गैस अवस्था में भी होंगे और ये ठोस अवस्था में भी होते हैं। आयनिक यौगिक काफ़ी ठोस होते हैं, आपको मालूम है, क्योंकि आयन में तो स्पष्ट धनावेश और ऋणावेश होता है, तो उनके बीच में आकर्षण बल और अधिक प्रबल हो जाते हैं। तो ये जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि ये जो फोर्स हैं वो दुर्बल है या प्रबल है। अब बात आती है कि गैस अवस्था में हमारे एक विशेष वर्ग है और वो वर्ग हमारा हो जाता है इनर्ट गैस। तो जो इनर्ट गैसेस हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन और आर्गन, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन, ये इनर्ट गैसेस हैं। और जो हमारे सामान्य गैसें हैं उनके अंदर पोलर फोर्स डेवलप हो सकते हैं, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। अब यहाँ पे इनर्ट गैस में ये कम्प्लीटली जो है न्यूट्रल है, अर्थात ये सभी जो है वो नॉन पोलर स्पीसीज हैं, इनके बीच में किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं होता। तो जब आकर्षण नहीं होता तो ये एक दूसरे के काफ़ी डिस्टेंस पे होंगे, दूर पे होंगे, और इसीलिए हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा आवर्त सारणी का 18th ग्रुप है, जो अक्रिय गैसेस हैं, ये पूरी की पूरी गैस एलिमेंट जो हैं वो आपके फ्री नेचर के होते हैं और ये गैसियस स्टेट में ही पाए जाते हैं। इनकी ठोस द्रव अवस्था जो है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में ही देखने को मिलती है, जैसे कुछ जिनॉन के कुछ कंपाउंड हैं जो ठोस अवस्था में भी होते हैं, आर्गन के कुछ कंपाउंड और ठोस अवस्था में। अब सवाल उठता है कि इनको हमने आपने भी सुना होगा कि द्रव हीलियम, द्रव नियॉन, तो अब इनको लिक्विड फेज में कैसे लाया गया, जबकि इनके, क्योंकि ये तो पूरी तरह से नॉन पोलर हैं, अध्रुवीय हैं, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे डेवलप हो गया। तो उसके लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि इन गैसों का जो आपके आकर्षण बल है ये एक विशेष प्रकार का बल होता है और इस बल को हम बोलते हैं वान डर वाल फोर्स। ये वान डर वाल फोर्स के नाम से जाना जाता है, वान डर वाल बल, और किन्हीं वैज्ञानिकों ने इसमें लंदन बल को भी उपयोग में किया है। तो अक्रिय गैसों में जो उनकी अवस्था परिवर्तन वाली बात आती है, अर्थात ठोस से द्रव या द्रव से ठोस में या गैस से द्रव की अवस्था के अंदर, तो फिर वो अवस्थाएं सभी इस वांडरवाल, और वांडरवाल फोर्स जो है वो इन बलों की तरह से नहीं है,
आयनी कोवलेंट जो पोलर फोर्सेस हैं इनसे बहुत ही दुर्बल होता है, वीक होता है, काफ़ी दुर्बल प्रकृति का होता है। अब ये जो दुर्बल आकर्षण बल हैं नॉन पोलर, ये जो है ना काफ़ी वीक होते हैं, ये दुर्बल होते हैं। तो ये जो वीक फोर्सेस हैं, अब ये वीक फोर्स जो है उनको आप कितनी तरह से बता सकते हैं? तो अब हम क्या करेंगे कि दुर्बल बल आकर्षण जो है वो पदार्थ के इन कणों के मध्य कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में हम स्टडी करें। तो उसके बारे में देखिए कि यहाँ वीक फोर्सेस में सबसे पहले जो है वो हमारा आ जाता है डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एक प्रकार का बल है। तो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किस प्रकार का होगा, इसकी क्या विशेषता होगी? तो अभी आपको ये बताना है कि उस पदार्थ के उस कण में जो परमाणु हैं उन परमाणुओं के मध्य जब रासायनिक संयोग हुआ था तो वो परमाणु भिन्न भिन्न विद्युत ऋणता के थे, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट थी, अलग अलग थी। जैसे देखिए एक एच और सी एल, तो एच सी एल में ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका पोलर, इसको कहेंगे डाइपोल। अणु अब डाइपोल हो गया अर्थात उसमें धनावेश और आंशिक ऋणावेश हो गया। तो दूसरा अणु जब आप इस प्रकार से इसको लिखेंगे तो ये इसका पॉजिटिव एंड और ये इसका नेगेटिव। अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उस अट्रैक्शन फोर्स को डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स के नाम से जाना जाएगा। ध्यान रखना है कि ये जो डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स है ये आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दुर्बल होता है, ठीक है, ये उससे वीक होता है, क्योंकि आयनिक फोर्स में तो आयन स्पष्ट होते हैं, धन आयन और ऋण आयन, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे धन आयन ऋण आयन नहीं है, ये तो अणु के एक सिरे को आंशिक धनावेश और एक दूसरे सिरे को आंशिक ऋणावेश मान लिया गया है। तो ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ध्रुवों के मध्य की दूरी जो है इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ये अलग अलग फोर्सेस के बारे में कि 1/r³ या ये 1/r⁶। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इसको इस तरह से ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ED, इसको हम ED बोलेंगे, और ED जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है वो इसके मॉलिकुलर इंट्रा मॉलिकुलर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जहाँ तक इसकी वैल्यूज़ की बात आती है तो इसकी वैल्यूज़ को जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारा एक विशेष सूत्र है, और इस सूत्र में आप देखिए ये ई जो डी है ये इजिकल टू 2μ⁴ / 3 r⁶ kT। के जो है यहाँ पर एक कांस्टेंट है, और ये जो कांस्टेंट होता है ये विशेष प्रकार से वाल्ट्जमान कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, इसे वाल्ट्जमान कांस्टेंट कहते हैं। और टी जो है वो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज 273 केल्विन। तो जैसे जैसे विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ता चला जाएगा तो इस आर के मान में भी वृद्धि होती चली कमी होती चली जाएगी, ये इन्वर्सली है। तो डाइपोल में जब नेट चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है तो उस स्थिति में अट्रैक्शन फोर्स धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, और पदार्थ की अवस्था जो है वो गैस से लिक्विड में और लिक्विड से ठोस में आने लगती है। तो सबसे दुर्बल जो बल है वो तो गैस में होगा डाइपोल डाइपोल, और सबसे प्रबल जो डाइपोल डाइपोल है वो आयनिक यौगिकों में देखने को मिलता है। तो ये जो ई अल्फा है ये वास्तव में अंतर क्रिया ऊर्जा बल है, और ये ध्रुवों के अपेक्षित अभिविन्यास पर निर्भर करता है, ध्रुवों के अपेक्षित अभिविन्यास अर्थात इनका ओरिएंटेशन किस साइड में है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा देखिए, इसको हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये इंड्यूस्ड डाइपोल बनता है। तो एक द्विध्रुव जो कण है वो दूसरे अध्रुवीय कण को डाइपोल कर सकता है, जैसे HCl है। अब HCl के अणु के साथ में
अगर Cl का अणु रख दिया जाए, ये हमारा Cl2 और HCl, तो अब Cl2 तो हो गया आपका पूरा नॉन पोलर, इसमें तो किसी तरह का कोई ध्रुव है ही नहीं, अध्रुवीय हो गया, ये हमारा कहलाता है द्विध्रुवीय, ये डाइपोल है। तो एक डाइपोल जो स्पीसीज है वो एक न्यूट्रल स्पीसीज को, एक नॉन पोलर स्पीसीज को इंड्यूस करके और उसको डाइपोल में कन्वर्ट कर देती है। अर्थात Cl2 का मॉलिक्यूल भी अब दो क्लोरीन है, तो दोनों क्लोरीन में से एक क्लोरीन आंशिक धनावेश और दूसरा क्लोरीन आंशिक ऋणावेश का हो जाएगा। इस तरह से इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाएंगे और यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ जो ये डाइपोल इंड्यूस होता है, इसी में इसके मान को थोड़ा सा अलग बताया गया है, ई आई से इसको हम डिनोट करते हैं, और ये ई आई जो है वो टू ये आपके एल्फा म्यू स्क्वायर अपॉन आर की पावर सिक्स होता है। ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होता है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल जो है वो ताप पे निर्भर नहीं करता, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो केवल अणु पे ही निर्भर करेगा कि उस अणु जो डाइपोल मॉलिक्यूल है उसकी पोलराइजेबिलिटी कितनी है, वो कितनी पोलराइज करता है, ये उस पर डिपेंड करता है। तीसरे प्रकार का जो दुर्बल आकर्षण है उसको हम देखें, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंट इंस्टेंट इंड्यूस्ड, ठीक है, इंस्टेंट इंड्यूस्ड डाइपोल, अर्थात ये तत्काल जो है वो प्रेरित होकर के और डाइपोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो तत्काल प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, इसको हम लंदन बल के नाम से भी जानते हैं, कि कणों के बीच में आपस में अनोन्य क्रिया होने से उनमें तत्काल जो है वो डाइपोल करैक्टर डेवलप हो जाता है। N2 और O2 जो है ये सममित मॉलिक्यूल हैं, सिमेट्रिकल, N2 और O2, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये सममित हैं। अब अगर इन सममित मॉलिक्यूल को हम किसी कारक के द्वारा, जैसे कि दाब के द्वारा, ताप के द्वारा, घर्षण के द्वारा, अन्य कई कारक हो सकते हैं, तो उसके द्वारा अगर हम इसको जो है असममित बना दें, मॉलिक्यूल पहले सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जब एसिमेट्रिकल अर्थात असममित हो जाता है तो उस स्थिति में उसकी आकृति बदल जाएगी, इसको हम बोलते हैं विकृति। तो मॉलिक्यूल जो है वो पहले तो मान लीजिए इस तरह से था और अब मॉलिक्यूल इस तरह से हो गया, अब ये कहेंगे कि स्फेरिकल से ओवल शेप में विकृति आ गई, डीनेचर्ड हो गया, और जैसे ही ये विकृति उत्पन्न होती है तो इस अणु का एक सिरा धनावेश और एक सिरा आंशिक ऋणावेश में बदल जाएगा और तब ये एक तरह से डाइपोल का व्यवहार करने लगेगा और तब उस डाइपोल डाइपोल कणों के बीच में अट्रैक्शन होगा, इसको हम लंदन फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। और सममित अणु में यदि जो हमारा टेम्परेचर है वो दाब से एक अणु असममित हो जाता है और उसमें विकृति उत्पन्न होती है, उस विकृति का परिणाम द्विध्रुव होता है और तब आकर्षण बल उनमें उत्पन्न होता है। तो इसे हम माइनस थ्री एच वी जीरो डी स्क्वायर अपॉन फोर आर पावर सिक्स के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे अणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, अणु का स्थान अगर आकृति कम है तो आकृति का अणुओं पर अणु इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होगा, तो प्रतिकर्षण होगा तो वो अणु की जो व्यवस्था है वो अब अव्यवस्थित अर्थात डीनेचर्ड हो जाएगी। तो आकार में वृद्धि होने से ध्रुवणता में वृद्धि होगी और जब ध्रुवणता वृद्धि होगी तो फिर हम देखते हैं कि ध्रुवणता में वृद्धि होने से जो आप अट्रैक्शन फोर्स अब इंक्रीज हो जाएंगे और तब पदार्थ जो है वो गैस से लिक्विड में और लिक्विड से ठोस अवस्था में आने लगता है। तो ये इंस्टेंट अर्थात तत्काल, ये तत्काल होता है, ये उसी क्षण होता है। अब हम एक अन्य प्रकार का बल देखते हैं, ये नंबर फोर्थ, इसको हम हाइड्रोजन फोर्स बोलते हैं, हाइड्रोजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन आकर्षण बल, इसे हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। इनमें क्या विशेषता है कि ये वो पदार्थ होंगे जिनमें हाइड्रोजन उपस्थित हो और हाइड्रोजन भी एक विशेष स्थिति में आ जाए कि किन्हीं दो विद्युत ऋणता वाले केंद्रों के मध्य
अब ये अणु में व्यवस्था होगी, एक अणु और दूसरे अणु के मध्य व्यवस्था हो सकती है, दो अत्यधिक विद्युत ऋणता वाले केंद्रों के मध्य हाइड्रोजन का परमाणु स्थित हो जाता है तो उस आकर्षण को हाइड्रोजन बॉन्ड अट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। तो हाइड्रोजन बंध जो है उसके लिए ऐसा होना आवश्यक है, जैसे देखिए H और H, अब ये एक अणु हो गया जल का। दूसरी स्थिति में क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और फिर ये हाइड्रोजन, फिर ये इसके बीच में, तो अब ये हाइड्रोजन जो इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में आ गया, ठीक, ये विशेष स्थिति हो गई। तो दो अधिक विरूढ़ता वाले तत्वों केंद्रों के मध्य जब हाइड्रोजन स्थित आ जाए तो ये हाइड्रोजन बंध प्रभावी हो जाता है, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रबलता जो है वो इस बात पर निर्भर करेगी कि इनके विद्युत ऋणताओं में अंतर कितना है। जैसे आप इसका उदाहरण बता सकते हैं कि H2O जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है और H2S, ठीक है, ये H2S जो होती है ये लिक्विड गैस अवस्था में होती है। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन सल्फर दोनों ही एक ही समूह के हैं, हाइड्रोजन दोनों में कॉमन हो गए, तो फिर गैस की अवस्था, पदार्थ की अवस्था भिन्न भिन्न क्यों हो गई, एक पदार्थ द्रव अवस्था में दूसरा गैस अवस्था में। तो यहाँ पर गैस अवस्था इसलिए क्योंकि सल्फर की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की अपेक्षा कम होती है और इसकी विद्युत ऋणता कम होने के कारण इसका जो हाइड्रोजन बंध बनेगा वो दुर्बल होगा और जब दुर्बल होगा तो आकर्षण दुर्बल होगा और आकर्षण के दुर्बल होने से पदार्थ ठोस से द्रव और द्रव से गैस की ओर, अर्थात वो गैस अवस्था में ज़्यादा स्थायी रहेगा। यहाँ पर विद्युत ऋणता ज़्यादा है ऑक्सीजन की, इसलिए यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा प्रभावी हो गए, यही कारण है कि H2O सामान्य परिस्थिति में द्रव अवस्था के अंदर मिलता है। और ये भी दो प्रकार के होते हैं आपको, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिक्यूल। ये इंटरमोलिक्यूल हो गया, ठीक है, अंतरणुक, और एक होता है इंटरमोलिक्यूलर अर्थात अंतरणुक, ये इंटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर, तो ये जो दोनों ही बल हैं ये अलग अलग, जैसे कि दो कणों के बीच में लगने वाला जो बल है वो तो आप क्या हो गया अंतरणुक हाइड्रोजन बंध, ये एक ही अणु में भी हो सकता है या भिन्न भिन्न, जैसे एथिल एल्कोहल और जल के मध्य, ठीक है, वो भी हो सकता है। और ये जो होता है वो एक ही अणु के अंदर होगा, इसका उदाहरण देखिए आप, ये अधिकांश है जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, तो एरोमेटिक कंपाउंड में अणु के अंदर ही अभी हाइड्रोजन की स्थिति ठीक इस तरह से आ गई, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, ये नाइट्रोफिनॉल है, तो जो एरोमेटिक कंपाउंड है जो नाइट्रोफिनॉल्स हैं, सैलिसिलिक एसिड है, इनमें क्या है कि एक ही अणु के मध्य हाइड्रोजन बंध प्रबल हो जाता है। और यहाँ पे अलग अलग अणुओं के बीच में, ये अलग अलग अणु समान भी हो सकते हैं असमान भी हो सकते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो किस तरह से अधिक प्रभावी होता है। और हाइड्रोजन बंध आकर्षण जो बल है इसकी वजह से ये पदार्थ की अवस्थाओं और उनके गुणों की व्याख्या भी की जा सकती है। जैसे देखिए क्वथनांक और वाष्पन ऊष्मा, तो कौन से द्रव का क्वथनांक ज़्यादा होगा, तब आंसर आएगा कि जिसमें हाइड्रोजन बंध प्रबल होगा उस द्रव का क्वथनांक ज़्यादा होगा और जिसका हाइड्रोजन पर दुर्बल है उसका क्वथनांक कम हो जाएगा। जैसे एथिल एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जल में भी एथिल एल्कोहल का जो क्वथनांक है वो बहुत ही कम है और जबकि हमारा जो वाटर है उसका क्वथनांक ज़्यादा है। अब क्यों हो गया, दोनों है तो द्रव अवस्था में, तो ऐसा क्यों हुआ, तो उसका कारण रीजन क्या बताएंगे आप, क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन बंध का जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग होती है। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि कुछ पदार्थ जो है वो विलय होते हैं, जैसे कि एथिल एल्कोहल जो है वो जल में आंशिक रूप से विलय हो जाता है, जबकि ये विलय नहीं होना चाहिए क्योंकि एथिल एल्कोहल एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और जल जो है वो इनऑर्गेनिक है, तो फिर एक दूसरे में विलय कैसे हो गए। तो जब
इन ये जो विलयता है ये भी हाइड्रोजन बंध के उसकी क्षमता पर निर्भर करेगी। जैसे जैसे हाइड्रोजन बंध आकर्षण बल का मान बढ़ेगा तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती चली जाएगी, विलयता भी बढ़ती चली जाएगी। तो विलयता बढ़ने का कारण हाइड्रोजन बंध आकर्षण एक्वस सॉल्यूशन में ये देखा गया है। इसी तरह से उनकी अम्लीयता और उनकी क्षारकता, तो अम्लीयता क्षारकता में जिनके हाइड्रोजन बंध दुर्बल होते हैं वो आसानी से H को रिलीज कर देते हैं, हाइड्रोजन को त्याग देते हैं, तो वो अम्लीय हो जाते हैं। और अगर हाइड्रोजन बंध प्रबल है तो उसकी अम्लीयता दुर्बल हो जाएगी। इसी तरह से क्षारकता में देखते हैं कि OH बॉन्ड जो मेटल के बीच में है, धातु और ऑक्सीजन के बीच का बंध जब दुर्बल होगा तो उस स्थिति के अंदर जो है ना वो प्रबल क्षारीय है, और जब वो अधिक हो जाएगा तो फिर ये दुर्बल क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये हाइड्रोजन बंध जो है वो किस प्रकार से इन पदार्थों में अपने गुणों को प्रभावित करता है, कि पदार्थ के कई गुण जो हैं वो इस हाइड्रोजन बंध पर निर्भर करते हैं। तो ये आपके पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो आगे देखेंगे।